नमस्कार, स्वागत है आपका लेजी टूरर के और एक वीडियो एपिसोड में। आज हम बात करेंगे गाड़ी की इंश्योरेंस के बारे में। गाड़ी की इंश्योरेंस आप कब क्लेम करे या ना करे, इस टॉपिक पे। ऑब्वियसली अगर गाड़ी में एक्सीडेंट बहुत बड़ा हुआ है, लाख डेढ़ लाख दो लाख की खर्चा है, तो आपको तो इंश्योरेंस क्लेम करना ही है। पर इंडियन रोड्स पे जब आप गाड़ी निकालते हो, थोड़ी बहुत माइनर स्क्रैचेस और डेंट्स आते रहते हैं, जैसे कि फ्रंट और रियर बम्पर पे या फिर दरवाजे पे, कोई भी बाइक वाला या फिर कोई भी रिक्शा वाला आके देके गया है वो स्क्रैच। आप तो कौन से स्क्रैचेस पे, कौन से एक्सीडेंट्स पे आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं करना है, ये वीडियो उसके बारे में। तो पहले तो आप सोच रहे होंगे इंश्योरेंस क्लेम आप क्यों ना करें। गाड़ी की जो इंश्योरेंस होती है, इसके लिए हम साल साल भर प्रीमियम भरते हैं। गाड़ी के दाम के हिसाब से ये प्रीमियम करीबन 20 से 30 हजार या फिर 40 हजार हो सकती। तो हम में से कई का यह मानना है कि अगर हम प्रीमियम भरने के बाद इंश्योरेंस क्लेम ना करें तो नुकसान हो जाएगा, पैसा वसूल नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है जहाँ पे अगर इंश्योरेंस क्लेम आप करते हो तो उल्टा आपको ही नुकसान होगा। ये कैसे, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। इस इंश्योरेंस प्रीमियम में आपका जो इंश्योरर है, ये आपको एक ऑप्शन देता है, उसको बोलते हैं नो क्लेम बोनस। अगर आप पूरी साल में गाड़ी के लिए कोई भी क्लेम नहीं करते हो तो अगली साल की जो प्रीमियम है उस पे वो उतना परसेंटेज जो नो क्लेम बोनस की होती है, रिबेट यानी कि घटा के देंगे आप। ये डिस्काउंट तभी मिलता है जब आप पिछले साल पूरी साल कोई क्लेम ना करो तो। ये NCV फर्स्ट ईयर के लिए, यानी कि अगर नई गाड़ी हो तो 20 से 25%, दूसरे साल के लिए 25 से 30%, तीसरे साल के लिए 30 से 35, ऐसे बढ़ते बढ़ते 50% तक हो सकती है। आपकी NCV क्या है वो आपको आपकी इंश्योरेंस की जो कागज है वहाँ पे दिखाई देगा। तो मान लीजिए 30,000 का अगर आपका इंश्योरेंस आता है तो उसके ऊपर अगर आपको पहली साल में 20 या फिर 25% की नो क्लेम बोनस मिलता है तो करीबन 7,000-7,500 का बचत तो जरूर हो। तो ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, अगर आप क्लेम करोगे तो वो तो आपको नहीं मिलने वाला है। प्रीमियम की बढ़ोतरी, अगर आपकी गाड़ी में लगातार इंश्योरेंस की क्लेम होते रहते हैं तो जब आप इंश्योरेंस की रिन्यूअल करने जाओगे तो प्रीमियम ज्यादा आएगी। आपकी गाड़ी हाई रिस्क के हिसाब से ट्रीट होगी और आपका प्रीमियम ज्यादा लगेंगे, क्योंकि पिछले साल आपने बहुत सारे क्लेम किए हैं। अभी आपको NCV तो मिला ही नहीं, उसके ऊपर अगर प्रीमियम ज्यादा आता है तो इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है वो तो बढ़ गया। तीसरी IDV, इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू। ये IDV होती है गाड़ी की टोटल लॉस के टाइम पे जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी उसकी हिसाब। ये IDV क्या है, ये आप आपके इंश्योरेंस की जो कागज है वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये भी आपको सोचना है, अगर टोटल लॉस होता है तो घटी हुई कीमत पे ही आपको मिलेगा वो इंश्योरेंस का क्लेम। चलिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। मेरे गाड़ी में एक एक्सीडेंट हुआ था, इस एक्सीडेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, आप भी देख लीजिए। लोअर हाफ में डैमेज था, पत्थर था, बारिश भी हो रहा था, दिखा नहीं। तो डैमेज होने के बाद मुझे ये सोचना था कि मुझे करना क्या है। चलिए देखते हैं मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या थे। पहला तो मैं इसको ऐसा ही छोड़ देता, दूसरा मैं सर्विस सेंटर में इसको लेके जाता, इंश्योरेंस क्लेम करवाता, तीसरा मैं लोकल गैरेज से इसको रिपेयर करवाता। अब इंश्योरेंस के बारे में पता किया सर्विस सेंटर में तो पता चला कि 12,000 से 15,000 की एस्टिमेट आ रही थी, के ऊपर 7 दिन गाड़ी वो सर्विस सेंटर पे भी रखना था काम करवाने के लिए, प्लस और 2-3 दिन शायद लग जाते इंश्योरेंस क्लेम की जो वो वेरिफिकेशन होती है उसके बाद अप्रूवल आता है उसमें, तो 10 दिन का ये मामला होगा सर्विस सेंटर में। 12,000 से 15,000 रुपये का बिल आएगा, मुझसे तो सिर्फ फॉर्म फिलअप का यानी कि 1,000 रुपये फॉर्म फिलअप का इंश्योरेंस का वो लिया जाएगा, प्लस सर्विस सेंटर में इधर उधर का खर्चा होता है तो 200-300 रुपये उधर पकड़ के चलिए तो 1,500 रुपये के आसपास मेरे पॉकेट से जाएगा और बाकी का खर्चा जो है इंश्योरेंस कंपनी देगी। पर जैसा कि मैंने डिस्कस की थी, ये इंश्योरेंस क्लेम अगर मैं कर लेता तो मेरा नुकसान NCV में भी होता, 30,000 की प्रीमियम आती है मेरी तो वहाँ पे 25% की NCV नहीं मिलता, उसके ऊपर जो प्रीमियम है वो थोड़ा ज़्यादा होता क्योंकि हाई रिस्क गाड़ी होती, छोटे मोटे क्लेम मैं करवा चुका होता, उसके ऊपर IDV जो है वो भी घट जाता क्योंकि गाड़ी जो है डेप्रिशिएटिव वैल्यू में कैलकुलेटेड होती क्योंकि गाड़ी में एक्सीडेंट हो चुकी है।
सर्विस सेंटर हमेशा काम अच्छा करता है ऐसा नहीं है। आप डिफरेंट लोकल गैरेज पे जो आपके घर के पास होंगे उससे पूछिएगा, आप अपने दोस्तों से भी पूछिएगा। कहीं कहीं जगह ऐसा तो होता है, जैसे मेरे साथ हुआ, सर्विस सेंटर जिस जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर है वो 12,000 का जो काम करने वाला था वो मेरे साथ बन गया 1,200 रुपये। तो अभी ये आप सोच रहे होंगे कौन से एक्सीडेंट में हम क्लेम करें और कौन से पे ना करें। एक जनरल सा रूल होता है, पहला कॉस्टिंग का, दूसरा एक्सीडेंट कैसा हुआ है इसका। हाँ, अगर कॉस्टिंग आपका 1,00,000 रुपए जा रहा है, 1,50,000 रुपए जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपको इंश्योरेंस क्लेम करना ही है। दूसरी पॉइंट, गाड़ी की डैमेज कहाँ हुआ है। अगर मैकेनिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, जैसे इंजन के पुर्जे, रेडिएटर, सस्पेंशन, यहाँ पे डैमेज है तो जरूर आप इंश्योरेंस क्लेम करवाइए। अगर आपका एक्सीडेंट मेरे जैसा हुआ था, छोटी मोटी डेंट्स, बम्पर के स्क्रैचेस, ये हिंदुस्तानी रास्ते पे आते रहते हैं, पहला तो सोच लीजिए आपको इंश्योरेंस क्लेम करवाना है कि नहीं करवाना है, क्योंकि वो पार्ट्स अगर सामने चल के बड़ी कोई एक्सीडेंट होती है तो वैसे भी रिप्लेस हो जाएगी। अगर करवाना ही है आपको काम तो लोकल गैरेज में देखिए, बहुत सबसे सस्ते में अच्छा काम हो सकता है। तो अगर आप जब इंश्योरेंस क्लेम करते हो तो ये सोच के कीजिएगा आपकी IDV लॉस कितना होगा, आपकी जो नो क्लेम बोनस है उसका लॉस कितना होगा। अगर आपका नो क्लेम बोनस 25-30% है और आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम 30,000 का है तो करीबन 7,500-8,000 तक तो आपको बचत हो सकती है। उसके ऊपर आप जो फॉर्म भरोगे और छोटी मोटी कॉस्टिंग आएगा तो क्या वो आपका जो रिपेयर कॉस्टिंग है बाहर हो या फिर सर्विस सेंटर में उससे ज़्यादा है या फिर कम, इसको सोच के आप जरूर कीजिएगा इंश्योरेंस के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है तो जरूर कमेंट में उसको पूछिएगा।